प्रवृत्ति हो रही है। भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के लोकप्रिय नेता है, जिसमें बहुजन समाज के लाखों लोगों की आस्था और विश्वास है। सेवा मुक्त घटना के कारण समाज के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि मनुवादियों ने हमारे बहुजन समाज के चहेते हमारे हीरे हमारे चंद्रशेखर आजाद साहब के ऊपर जो गोलीबारी करवाई, उसके विरोध में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए इसके लिए आज हम लोग इंदौर कलेक्टर पर इकट्ठा हुए हैं। साथियों, वो गोलियां उन्होंने खाई है चंद्रशेखर आजाद ने हमारे लिए, और मेरा जो भाई इस पानी से बचकर के अपनी बूंदों से बचना चाहते हैं ना, तो जो आदमी हमारे लिए गोली खा रहा है, क्या उसके लिए हम चार बूंदे इस बारिश की नहीं खा सकते? तो ये पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है आज के दिन, और ये बता दिया हमने पूरे देश को कि चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोया है। इस बहुजन समाज के सितारे के ऊपर एक खरोच भी आई तो पूरे भारत में आगजनी हो जाएगी, और उसकी जिम्मेदार है भारत सरकार और यूपी का वो क्या बोलते हैं सन्यासी आदमी गुंडा, जहाँ उसके राज में पुलिस के सामने हत्याएं हो जाती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर चार चार गोलियों की फायरिंग होती है, और कुछ मेरे शब्द थोड़े से खराब है लेकिन अभी बोलना पड़ेगा, कुछ हराम के जने बोल रहे हैं कि बोले वो तो षड्यंत्र किया उसने, तो षड्यंत्र होता है एक गोलियों का। चार चार गोलियां चलाई है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, और ये नामर्द फेसबुक पर लिख रहे हैं कि उसको तो जान से मार देंगे। तो जो जो ऐसी बातें फेसबुक पर लिख रहा है, आप उनको टारगेट करो, हम बताएंगे उनको बाद में। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद इस बहुजन समाज का आन बान शान है, और हम लोग इस गिरती बारिश में इसीलिए खड़े हैं कि उसने हम लोगों को जगाया है। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के प्रति हम लोगों को चेतन किया है, मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन के प्रति हम लोगों को जिंदा किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंदौर में आप सभी जिंदा लोगों को आप सभी के लिए एक बार ताली। जो मुद्दा है वो घर में बैठे हैं, और कुछ लोग फेसबुक के जो होते हैं ना हमारे समाज के, वो फेसबुक पर तो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि खून का आखिरी कतरा हम बहा देंगे, वो एक बूंद यहाँ पर पानी के लिए झेल पा रहे हैं। बताओ ऐसे हम लोग पानी का पर मुझे ऐसा लगता है कि साहब आप यहाँ जितने हो ना, मैं समझता हूँ कि लाखों की संख्या में इंदौर यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि इंदौर में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, और अंबेडकर मिशन को यहाँ पर आरएसएस ने खत्म किया, लेकिन भीम आर्मी ने फिर जिंदा किया। आज भीम आर्मी और देश के नौजवान साथी टेक करके खड़े हैं। जब तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी को एक प्लस सिक्योरिटी नहीं मिलती, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, हमारे ये आंदोलन चरमबद्ध चलते रहेंगे। और ये बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आप सभी लोग मुझे लगते हो कि हर बार ऐसे डट कर खड़े रहेंगे। साथियों मुझे हमारे कुछ साथी आक्रोशित भी हो रहे थे, वो राज नहीं होना, क्योंकि जब दिल पर तलवारें चलती है तो बड़ा दर्द होता है। वह गोली चली है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे दिलों पर क्या तलवारें चल रही है, हमारे भाई के ऊपर किसी आराम छोड़ने को लिया। हम लोग तो चाहते हैं कि इंदौर को जला दें, पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत को जला दें, लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, और हमारे नौजवान युवा ना जेल जाने से डरते हैं, ना पुलिस की लाठियों से डरते हैं। बस हम लोग अभी अपने अनुशासन में चल रहे हैं, तब तक इन शासन और प्रशासन को, और खास करके योगी की प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि वो अपने आप पे इस बात को समझ लें कि हम लोग अगर सब उठ करके यूपी चला है काम, तो आपको उठ करके मठ को भागना पड़ेगा। कल सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश से जहाँ तक हमारे पास आंकड़ा आया कि
ग्यारह बारह सौ कारें तैयार थी यूपी का। कितनी कारें? 11-1200 कारें। अगर जाती तो सहारनपुर जैसे 400 जिले बंद रहते हैं 400 दिन। तो ये हम लोग अनुशासित है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश दिए। देखो एक और चीज बताता हूँ, आज ईद का मौका है, चंद्रशेखर आजाद साहब ने एक संदेश के रूप में एक वीडियो हम लोगों को भेजा और उन्होंने कहा कि ईद है, हमको ईद का त्यौहार जो है वो बिगाड़ना नहीं है, अनुशासन में रह करके शांति प्रिय रूप से हमको हमारी कार्रवाई करना है। और हम हमारे मुस्लिम भाइयों का दिल से धन्यवाद करते हैं कि देखो वो ईद का त्यौहार छोड़ करके भी हमारे बीच में। कल कुछ हरामखोरों ने फेसबुक पर ऐसा लिखा, कुछ लोगों को मेरे पास फोन भी आया, अरे भैया बोलो वो देवबंद में तो मुसलमान होते खाए तुमने करवाया हलवा। तो ये हम लोगों को बरगलाने की नीति है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारत में ये दंगे करवाने के मूड में थे, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला किया। चंद्रशेखर आजाद जी उनके दिलों में चुभ रहे हैं क्योंकि ऐसे नौजवान युवा उनके नेतृत्व में पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं। ये आपकी हमारी ताकत है। मैं आप सब लोगों से एक और विनती करना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम लोगों की प्राथमिक रूप से एक और चीज होना चाहिए कि हम सब लोग अनुशासित रूप से चंद्रशेखर आजाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाएं, उनके लिए देश प्लस सिक्योरिटी की मांग को लेकर के इस आंदोलन को चरणबद्ध रूप से चलाएं और उन आरोपियों की गिरफ्तारी ना हो तब तक हम लोग इस आंदोलन को चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हमें निर्देश दिए आज यहाँ पहुँचे सभी भाइयों से, देखिए सिर्फ मैं भी प्रशासन को भी चेताना चाहता हूँ इंदौर के कि आप इतना मत समझना कि सिर्फ हम ज्ञापन देकर के साथ दे जाएंगे। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, ये सब चंद्रशेखर आजाद जी के प्रेम में यहाँ आए हैं और इतनी बारिश खा रहे हैं, 2 घंटे से यहाँ भीग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेम है। अगर आप लोग समय से कार्रवाई नहीं करोगे तो फिर न चंद्रशेखर आजाद जी इनको रोक पाएंगे, न मैं रोक पाऊंगा, ना हमारे प्रदेश रोक पाएंगे। जो कार्रवाई हम लोग मांग कर रहे हैं वो करते हैं। एक तो चंद्रशेखर आजाद साहब को डेढ़ प्लस सिक्योरिटी दे दें। एक आपने वो ढोंगी बाबा देखा है, इस देश के टुकड़े करने का काम वो कर रहा है, वो हिंदू मुसलमान फला फला करके वो यहाँ झगड़ा करवाना चाहता है, युद्ध करवाना चाहता है। ये नपुंसक सरकार उसको 5+ सिक्योरिटी दे रही है और जो नेता चंद्रशेखर आजाद इस बहुजन समाज को एक करने का कोशिश कर रहा है उसको एक सिक्योरिटी के रूप में एक पुलिसकर्मी ने लगाया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का षड्यंत्र है। चंद्रशेखर आजाद के हुआ हमला, हम उसकी निंदा करते हैं और हम लोग अपनी मांग को क्या कर ज्ञापन के रूप में राष्ट्रपति महोदय के नाम सौंप रहे हैं। अगर ये आंदोलन वो रोकना चाहते हैं तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। तो साहब यहाँ हम किसी को भी रोक नहीं पाएंगे चंद्रशेखर आजाद जी को प्रेम करने से, फिर वो चाहे जो करे वो स्वतः प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी होगी। तो मेरे भाइयों 2 बजे का समय था क्योंकि हम लोग 2 घंटे से बारिश में, 2 बजे का शासन आप ऐसे ही रहो, सब बढ़िया, सब साथ नीचे बैठ जाए। पीछे आप तो पीछे पीछे हुई है, पवन आ गया तो आ गया पवन भाई, भाई एक्सपीरियंस हो गया, ये लोग नहीं सुनेंगे ना, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए, पवन भाई आ जाओ। कोई बात नहीं, प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जिला कलेक्टर महोदय इंदौर विषय आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी चीफ आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर हुए
जानलेवा हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध रसुका की कार्रवाई की किए जाने के संबंध में। महोदय, जैसा कि विदित है, दिनांक 28/6/2023 को सहारनपुर के देवबंद में मनुवादी सोच रखने वाले कुछ अज्ञात हमलावरों ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर सुनियोजित जानलेवा हमला किया है, जो बेहद गंभीर और दुखदायी मुद्दा है। भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा पूर्व में कई बार अपनी सुरक्षा व जान के खतरे के संबंध में सहारनपुर SSP व DGP पुलिस लखनऊ मुख्यमंत्री महोदय को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था, परंतु शासन प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को जानबूझकर गंभीरता से नहीं लिया, जो बहुत ही निराशजनक है। शासन प्रशासन की शिथिलता पूर्ण के कारण ही यह घटना घटित हुई है। शासन प्रशासन के धूल मूल रवैये के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। भीम आर्मी संस्थापक आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन समाज के लोकप्रिय नेता हैं, जिसमें बहुजन समाज के लाखों लोगों की आस्था और विश्वास है। एवं मुक्त घटना के कारण समाज के लाखों लोगों की भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। भीम आर्मी लगातार आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग करती है। इस मांग पत्र के माध्यम से हम लगातार आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी की सुरक्षा की मांग करती है। इस मांग पत्र के माध्यम से हम प्रार्थीगण आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि उक्त मामले की गंभीरता को समझते हुए उक्त मामले का तुरंत प्रार्थीगण आवेदन विनम्र निवेदन है कि उक्त मामले की गंभीरता को समझते हुए उक्त मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए उक्त मामले में दोषी अभियुक्तों को तुरंत गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दोषियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई में अमल लाई जाए तथा आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को पुख्ता करते हुए उन्हें स्पेशल जेट सुरक्षा अविलंब उपलब्ध कराई जाए। श्रीमान जी, प्रार्थना है कि समस्त बहुजन समाज की ओर से लाखों लोगों की भावनाओं को ध्यान रखते हुए प्राधिकरण की उक्त मांगों को अविलंब पूरा करने की कृपा करें। जय भीम। फोटो ले लो भैया, फोन नीचे करना।